हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह ससुराल से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हशीमारा से हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट टाइम से स्टार्ट किया, आज चाउमीन बनाया था तो बेटे को भी खिला रही हूँ, खुद भी खा रही हूँ। अभी उस साइड बैठे हुए हैं लेकिन उनको कैमरे में नहीं ला पाई। अभी ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा हॉलीडे होमवर्क बेटा कर रहा है, अभी भी उसके साथ बैठे हुए हैं। और मैं एज़ यूजुअल किचन में बिजी हूँ, खाना वाना बना रही हूँ, बीच में आके व्लॉगिंग कर रही हूँ। चलिए फिर बाद में बात करते हैं। तो यहाँ ये सब्ज़ी आज बनाई है मैं, ये फिश के तेल से चर्बी से बनाते हैं, तेल छसरा बोलते हैं, ये बहुत फेवरेट है मेरा, हम सभी पसंद करते हैं, तो वो बनाया था। फिर ये देखिए फिश का रसीला एक सब्ज़ी बनाया है ग्रेवी वाला, आलू बैंगन डाल के। फिर ये शाम के टाइम से फिर ब्लॉग स्टार्ट किया, उसके बाद और बीच में ब्लॉग नहीं किया। शाम को भी निकले थे थोड़ा, यहाँ देखिए पानी पूरी और चाट खाएँगे, थोड़ा टाइम घूमने ही निकले थे शाम को। फिर रात को बारिश आ गई, ऐसे भी भयानक गर्मी पड़ी थी, थोड़ी सी राहत की सांस मिली, बारिश आ गई रात को। तो आज का दिन ऐसे ही गया, कुछ खास नहीं गया, बारिश हो रही है। अब ये है नेक्स्ट डे। आज भी अच्छी खासी गर्मी है, रात को बारिश हुई थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, गर्मी भयानक है। और मैं खाना बना रही हूँ, सब्ज़ी बना रही हूँ, क्या क्या बनाया देखिए। इतना गर्मी चल रहा है इसलिए आज सिंपल खाना बनाया, मसूर की दाल, ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी है, फिश का हेड डाल के, हम बोलते हैं मच्छर मथा दिए, बाँधा गोभी घंटो, देन फिश फ्राई भी किया था 2 पीस, देन फिर परवल को भी मतलब परवल को भी फ्राई कर लूँगी खाने से पहले, गर्मा गर्म परवल, नींबू, ये सब मतलब हल्का पतला आज खाएँगे। तो अभी परवल को फ्राई कर रही हूँ। अभी बेटे को दोपहर को खाना खिला रही हूँ और सासू माँ से बातें भी कर रही हूँ, दोनों गप्पे लगा रहे हैं, तो यही अभी चल रहा है, गप्पे लगाते हुए बेटे को खिला रही हूँ। पहले सबसे पहले उसको भूख लग गया था, फिर शाम को थोड़ा टहलने निकलेंगे। ये हमारे घर के पास ही चाय का बगान है देखिए, और ये चाय का बगान अच्छा लगता है शाम के टाइम जाना, ऐसे ही घूमने निकलते हैं शाम को, अच्छा नहीं लगता घर में बैठे बैठे, बोर हो जाता है नहीं तो। अभी थोड़ा घूमने निकले हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। आज लंच में ये कोचू शाक मेरी सासू माँ ने बनाया है, छोटी मछली मैंने बनाया था, चिकन कोशा मैंने बनाया था, तो 3 आइटम आज थे लंच में, यमी यमी चाहिए। ये कोचू शाक भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे बनाना नहीं आता तो इसलिए सासू माँ ने बनाया था। और ये चटनी एक भैया की मम्मी ने दिया है, खट्टी मीठी चटनी आम की, बहुत टेस्टी है।
ये बेटे को मैं खिला रही हूँ और हमको देखकर हंसिएगा मत, बेटे को भी पाउडर लगा के भूत बना दिया, खुद भी भूत बनी बैठी हूँ क्योंकि इतना गर्मी है ना, क्या बताऊँ, तो पाउडर लगा के एकदम भूत बन जाती हूँ, पसीना आता रहता है, देखिए भूत बनी हुई हूँ। अभी लाई थे मीठा पान, तो मीठा पान नॉन वेज के बाद खाना अच्छा लगता है, वही खा रही हूँ बैठ के। ओके फ्रेंड्स, लंच हो गया, मैं अभी बैठ के पान खा रही हूँ मीठा पान, क्योंकि मतलब मीट खाने के बाद थोड़ा मन करता है पान खाने का। तो ये आज खाने में बनाए थे, आज इतना गर्मी, मतलब 3-4 दिन से इतनी गर्मी है, आज ब्लॉग भी नहीं की सुबह से। सुबह ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी पास्ता बनाया था, दोपहर को मछली और चिकन बनाया, और माँ ने बनाया वो कोचू शाक, और चटनी तो पहले गई है, वो अचार टाइप का मुरब्बा आम का। बेटा मेरा टीवी देख रहा है कार्टून, मैं फैन की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भयानक। की बोले कोई देखिए, ये शाम को थोड़ा गुरुद्वारा गई थी दर्शन करने के लिए, शाम को निकले भी थे तो मैं बोली चलो दर्शन कराते हैं, क्योंकि घर के पास ही एकदम गुरुद्वारा में गए थे, तो वही है, आप लोग भी यहाँ से दर्शन कर लीजिए। गुरुद्वारा से निकल के हम धीरू के घर आ गए और वेट कर रहे हैं, हम सब एक साथ एक्चुअली डिनर पे जाने वाले हैं, एक नया कोई ढाबा खुला है हैमिल्टन के साइड, वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा सडनली प्लान बना के फिर चले जाते हैं निम्ती ढाबा, क्योंकि वहाँ बहुत लेट सर्विस था, बहुत लेट खाना सर्व कर रहे थे, तो वहाँ पे स्नैक्स खा के हम वहाँ से निकल जाते हैं फिर निम्ती ढाबे के लिए, क्योंकि निम्ती ढाबे में भी खाना बहुत टेस्टी और फास्ट सर्विस है। और नया ढाबा खुला है जो हैमिल्टन में, वो अच्छा है, माहौल अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, फ़ोटो वोटो लिए, स्नैक्स का टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन बहुत लेट सर्विस है, बहुत स्लो चलता है वहाँ पे सब कुछ, तो वही है, भीड़ ज़्यादा थी और मतलब क्या बोले, वॉलेंटियर्स कम थे इसलिए लेट सर्व कर रहे थे खाना बहुत। तो बस ये नज़ारे का मज़ा लेते हुए आप लोग ब्लॉग में देखते रहिए, आगे देखते रहिए हम लोग क्या क्या करते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो अभी नए हैं मेरे चैनल में, नए व्यूवर्स को बोलूँगी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे व्लॉग्स को। चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिए। ये है हैमिल्टन वाला ढाबा, नया बना है ये, यहाँ पे माहौल तो अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत सुंदर है, देखिए डेकोरेटेड है, भीड़ भी थी काफ़ी अच्छी खासी, गेट के इधर है ना, ये देखा था ये गेट उनके, उसमें भीड़ रहती है।
राउंड हाथ उठे ऐसी हाथ पकड़ के आने की आ जाओ, ये मैं स्लोमो कर दूंगी। यहाँ पहुँच के हम लोग घूम घूम के ढाबे को देख रहे थे, इसमें बोटिंग का भी था, सब कुछ था। मतलब रात को बोटिंग नहीं होती, दिन में होती है। और ऐसा एक फॉल्स ब्रिज टाइप बना हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे चल रहे थे, रील्स बना रहे थे, फोटो शूट कर रहे थे। उसके बाद ऐसे हट हट बने हुए हैं, ऐसे टाइप के स्मॉल हट्स, उसके अंदर बैठ के आप लोग खा सकते हो। तो वही है, तो फिर बैठ गए थे स्नैक्स खाने के लिए। चलो हैंड वॉश, भूख भी लगी थी। बेल तो बस हॉस्टल में जाएगा तो ठीक हो जाएगा। हॉस्टल में जाना है तो फिर ठीक से रहो। बोलो कौन है? वो आराम से बैठो, रुको एक फोटो लेना। इधर देखो रत्ना ऐसे बैठे, ऋषिक देखो तो बेटा फोटो लेती हूँ। इधर देखो धीरु, ठीक है। फिर हम इस ढाबे से निकल के नीमती ढाबे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे स्नैक्स खाया था, चीज़ पकौड़ा, चिकन लॉलीपॉप, कोल्ड ड्रिंक और चाय, ये सब लिया था। तो फिर वो सब खा के फिर निकल गए वहाँ से नीमती ढाबे के लिए। अभी नीमती ढाबा पहुँच गई है, यहाँ का फेमस ढाबा है, बहुत साल पुराना है। यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है, चाय भी बहुत अच्छा है। सो बेसिकली ढाबा है, पीछे बिल्डिंग भी बन रहा है इसका। हेलो, आज हमारी पार्टी हो रही है ना? लेकिन ये बताओ फिर कैसे उस तड़का दिए दो, तो आड़ो एक प्लेट ना, आड़ो दो प्लेट दिए दो तो तड़का। हाँ ना ना सिंपल क्यों, सेम सेम। चलो हाँ, अरे खाना स्टार्ट करो। अमला, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है, स्पेशली यहाँ का एक तड़का और एक बटर पनीर टाइप होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। नान वगैरह पेट में बिल्कुल, खाना खा के निकल गए। कुछ नहीं खाना बेटा, बाप रे। तुम दोनों ये चॉकलेट बाद में खोलना, घर में अभी खोलोगे यहाँ गिर जाएगा, सब सब गिर जाएगा। लड्डू और रिधान भी सुनो मेरी बात। ओके, आज की शाम बहुत अच्छी रही, पार्टी हमारी अच्छी थी, बस फिर निकल। ओके, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।